राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाल हमीरपुर में 2 स्मार्ट लैब में विद्यार्थियों ने लाइव प्रसारण देखा। विद्यार्थियों ने परीक्षा के समय कैसे तनाव मुक्त रहें और परीक्षा का डर कर नहीं डट कर कैसे सामना करें, इसके टिप्स सीखे। और क्यों ना सीखते, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बड़े प्यार से ये टिप्स खुद दे रहे थे। विद्यार्थियों ने करीबन 30 मिनट तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा एक उत्सव को लेकर उनके विचार सुने। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को परीक्षा में छात्रों को तनाव से मुक्ति दिलाने के मंत्र दिए और कहा कि परीक्षा को उत्सव की तरह मनाएं। कार्यक्रम से बच्चों ने सीखा कि परीक्षा के दौरान तनाव और घबराहट जैसी स्थिति में छात्र कैसे निपटें। इस खास कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा को लेकर हमीरपुर के विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखा गया और देश के प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों को तनाव से मुक्ति दिलाने के मंत्र दिया और कहा कि परीक्षा को उत्सव की तरह मनाएं। बाल स्कूल की प्रधानाचार्य मंजू ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों को कैसे अच्छे अंक लेने तथा परीक्षाओं के दौरान मन को कैसे तनाव मुक्त रखा जाए। आज 16 फरवरी को माननीय जैसे हमारे डिप्टी डायरेक्टर महोदय के आदेशों के अनुसार हमारे विद्यालय में क्या पूरे देश के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, विद्यालय हैं, उन सभी में बच्चों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण जो है वो हम बच्चों को सुना रहे हैं। इसमें हमारे विद्यालयों के बच्चे जो हैं वो एग्जामिनेशन फोबिया, जैसे आप लोगों को पता ही है कि परीक्षा से सभी बच्चों को डर लगता है, परीक्षा के डर को कैसे दूर किया जाए और परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए। अलग अलग सब्जेक्ट्स, हर सब्जेक्ट्स में, जैसे साइंस के सब्जेक्ट्स हैं चाहे वो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट्स में अलग अलग तैयारी जो है वो कैसे करनी है, उस डर को अपने अंदर से कैसे मिटाना है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बच्चों को जो है लाइव टेलीकास्ट भाषण दे रहे हैं और हम भी अपने विद्यालय के लगभग 350 बच्चों को हमने अपनी 2 स्मार्ट लैब्स हैं हमारे पास, उन स्मार्ट लैब्स में हम 1 घंटे का जो प्रोग्राम चल रहा है वो बच्चों को हम दिखा रहे हैं ताकि बच्चों के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो, एग्जामिनेशन फोबिया ना रहे, परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है और परीक्षा में अच्छे अंक जो है वो किस तरह से लेने हैं, अपने अंदर अच्छे गुणों का जो है वो समावेश कैसे करना है।